वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्हील्स वंडरलस्ट। आज हम होंडा सिटी फैंस के लिए एक अच्छी खबर लेके आए हैं। होंडा ने सिटी का फिफ्थ जनरेशन मॉडल थाईलैंड में अनवील कर दिया है विद फ्रेश लुक्स एंड अपडेटेड इंजन। अगर नई होंडा सिटी की बात करें तो उसका एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक्स दोनों ही इवॉल्व कर दिए गए हैं प्रेजेंट जनरेशन से। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो वो 100 mm लंबी है, 53 mm वाइडर है और 11 mm लोअर है प्रेजेंट जनरेशन। तो नए होंडा सिटी के फ्रंट लुक की बात करें तो उसके जो आगे की बिग फैट क्रोम ग्रिल है वो सिविक से इंस्पायर्ड है और जो हेडलैम्प्स है उसमें प्रोजेक्टर्स हैं और विद LED DRL। और अगर न्यू होंडा सिटी के रियर लुक की बात करें तो वो जो होंडा की ग्लोबल सेडान इनसाइट है उससे ज्यादा इंस्पायर्ड है, स्पेशली उसकी टेल लाइट्स और उसका रियर बम्पर डिजाइन। अगर नए होंडा सिटी के साइड लुक की बात करी जाए तो वो ज्यादा डिफरेंट है नहीं, क्योंकि जो इसकी शोल्डर लाइनिंग है वो पूरी स्ट्रेच करी गई है आगे से लेके पीछे तक, जो कि ज्यादा ऐसा लगता है कि जस्ट एन अपडेटेड वर्जन ऑफ करंट जनरेशन होंडा सिटी। और अगर इसके अलॉयज की बात करें तो होंडा ने सिटी के अलॉयज 15 inch के लॉन्च करे हैं थाईलैंड में, बट हम इंडिया में ये उम्मीद करते हैं कि 16 inch के अलॉयज आएंगे, क्योंकि जो उनके करंट जनरेशन होंडा सिटी है उसके भी 16 inch अलॉयज आते हैं। और अगर हम नई होंडा सिटी के इंजन की बात करें तो उसमें थाईलैंड में 2 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई है, वो एक है 1.5 IVTEC इंजन और एक है जो नया इंजन लॉन्च हुआ है वो है 1 liter turbocharged, जो एज कम्पेयर टू 1.5 IVTEC इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और ज़्यादा पावरफुल है। बट इंडिया में वो वही सेम दो इंजन के साथ लॉन्च होगी, 1.5 IVTEC और 1.5 IDTEC, बट विद BS6 compliance। बट एक पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च होगा मोस्ट लाइकली एट द एंड ऑफ 2020 और एट द स्टार्टिंग ऑफ 2021, जो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी 33% तक इंक्रीज करते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिफ्थ जनरेशन मॉडल से पहले जो करंट जनरेशन है उसके BS6 मॉडल्स लॉन्च होंगे 1 या 1.5 महीने, और जो फिफ्थ जनरेशन है सिटी का वो मोस्ट लाइकली 2020 के मिड में या सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में लॉन्च होगा। तो आप ये सोच ही रहे होंगे कि हमने इतनी फॉग में भी ये शेड्स क्यों लगा रखे हैं। एक्चुअली ये सुबह 6 बजे का शूट है और आप देख ही सकते हैं हमारी आंखें, तो उन्हें छुपाने के लिए हमने ये शूट किया। तो चलिए अब इसके नए इंटीरियर के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू इंटीरियर विद नॉन नॉनसेंस एलिमेंट इन इट। व्हाट आई वुड से इज इट्स जस्ट अ सिंपल एंड अ क्लासिक इंटीरियर। As you can see, it has a large touchscreen infotainment system in the center. और जो AC panel है current generation में वो touch sensitive है, but इसमें knobs का use किया गया है जो मेरे हिसाब से ज़्यादा convenient है। And steering wheel की बात करूँ तो it's a 3-spoke steering wheel with multiple buttons on it and with a all new digital instrument cluster. Let's have a look at the boot space. तो अगर इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा 10 lakh के आसपास, बट जो इसका डीजल इंजन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि जो BS4 से BS6 का कन्वर्टिंग प्रोसीजर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स ऐड करने पड़ते हैं उन्हें इंजन में, तो वो एक्सपेंसिव होता है, तो उसकी वजह से डीजल इंजन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ये हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है होंडा सिटी के चेंजेस के रिगार्डिंग, कि उसमें नई होंडा सिटी में क्या क्या चेंजेस आए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।